So I'm in Goa right now and it's summers. मैं आपको इस व्लॉग में बहुत सारे अच्छे अच्छे बिस्तरों, अच्छा खाना, अच्छा अम्बियंस, अच्छा व्यू, पूरा गोवा दिखाऊंगा, लेकिन मेन फोकस होगा अच्छे खाने पर. आई थॉट कि हम आपको कुछ अच्छा सा बेस्ट फाइव प्लेसेस टू ईट इन गोवा का एक वीडियो बनाकर पेश करूँ. तो फिलहाल हम जा रहे हैं ब्लैक शीप बिस्तरो. कम विद मी, लेट्स गो. I told you वहाँ से है. वहाँ से एंट्री मांगे चला गया बैक पोस्ट देकर. अभी यहाँ से चल दो फिर से. अरे यहाँ से एंट्री. गोवा में गर्मी बहुत हो रही है, लेकिन अगर आप दोपहर के टाइम पे होटल में रहें, अपने रूम में रहें तो बेटर है, और शाम में और अर्ली मॉर्निंग निकले बाहर तो ज़्यादा मज़ा आएगा और एंजॉय कर पाओगे विद गुड वेदर एंड गुड फूड एंड गुड पीपल अराउंड. इट्स चिल सीन. आई लव गोवा. गोवा इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट प्लेसेज इन इंडिया. एंड आई मुझे तो पता नहीं मैं कितनी बार गोवा आया हूँ. मेरा नंबर्स मैं भूल चुका हूँ. मैं इतनी बार गोवा आ चुका हूँ और मैं गोवा जब भी आता हूँ हमेशा कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस करता हूँ, कुछ नया एक्सप्लोर करता हूँ, कुछ नया फूड, नई जगह एक्सप्लोर करता हूँ. इसलिए गोवा का तो मैं प्रो बन चुका हूँ और आपको इस गोवा ब्लॉग में ना बहुत कुछ दिखाऊंगा मैं आपको. सच में मज़ा आ जाएगा आपको इस ब्लॉग में और इस ब्लॉग में क्या आगे जितने भी ब्लॉग्स आएंगे ना मेरे जो गोवा के ऊपर आएंगे आप लोग देखना. आप लोग बोलोगे वाह क्या ब्लॉग बनाते हैं मनीष नागदेव, तो क्या ब्लॉग बनाते हैं, मज़े कराते थे जिंदगी में. हाउ इज योर गोवा ट्रिप गोइंग ऑन? नई नई जगह एक्सप्लोर कर रही हूँ इस बार. व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन योर लास्ट गोवा ट्रिप एंड दिस गोवा ट्रिप? लास्ट गोवा ट्रिप जहाँ पे पहले यूजुअली लोग गोवा जाते हैं वहीं पे जाते हैं, पूरी इंडिया पूरी दुनिया में ही गोवा जाती है, बट मनीष के साथ गोवा इज वेरी डिफरेंट और बहुत नई नई जगह एक्सप्लोर करने को मिल रही है, बहुत अमेजिंग अमेजिंग खाना खाने का मिल रहा है. तरीके से फुल चिल मारा है हम सब ने यहाँ पर, इतना अमेजिंग टाइम स्पेंड किया है कालामरी में. वाओ. फिश, प्रॉन्स, स्क्विड्स, पनीर, वेज, मशरूम सब खा लिया और बहुत टेस्टी खाना है इनका. और बेस्ट पार्ट है द प्रॉपर्टी इज वेरी नाइस, ब्यूटीफुली डन अप, गुड एम्बियंस, गुड बीच अराउंड, और बेस्ट पार्ट पता क्या है, बहुत ही बड़ी जगह है और बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही फेमस है, तो आपको क्राउड भी अच्छा मिलेगा. गोवा में अगर आ रहे हो और अच्छा खाना खाना है, अच्छा क्राउड देखना है, पार्टी करनी है, इंजॉय करना है, चिल करना है, तो यहाँ पे आना मस्ट है. अच्छा मींस करियंडर पुदीना एंड द ग्रीन चिली अच्छा एंड द ऑनियन गार्लिक मिक्सिंग दिस वन.
नाम क्या है इसका? इसका नाम है किंगफिश रैप। ओके, एंड व्हाट दिस इन द थाली, क्या क्या इंक्लूड करते हो आप? बांगड़ा थे उदा में थी एंड प्रॉन्स सूखे किस्मत एंड दिस होल करी प्रॉन्स करी एंड स्टीम राइस। ओके, कुकुम्बर सलाद चपाती एंड सुपर्ब। थैंक यू सो मच। तो आज हम आए हैं बीन मी अप में, ये भी वन ऑफ द वेरी फेमस पॉपुलर प्लेसेस फॉर ब्रेकफास्ट है। तो गाइज आई होप आप लोग इन्जॉय कर रहे हो मेरे ब्लॉग को। मैंने बहुत सारा खाना दिखाया है आप लोगों को, गोवा में कहाँ कहाँ मैंने खाना खाया, ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, डिनर किया। डिनर मैंने कम दिखाया क्योंकि रात के टाइम पे ज़्यादा शूट में अंधेरे में मज़ा नहीं आता, तो मैं इसलिए मोस्टली आपको लंच और ब्रेकफास्ट की चीज़ें दिखा रहा हूँ। पर जहाँ पे हम लंच कर रहे हैं वहाँ पे हम डिनर भी कर सकते हैं और इन्जॉय भी कर सकते हैं, बहुत सारा अच्छा सा डिलीशियस खाना खा सकते हैं गोवा में आकर। और ट्रस्ट मी, जो जो मैं आपको जगह बता रहा हूँ यहाँ पे इस ब्लॉग के अंदर, आप इन सब जगहों को ट्राई करना और आपको इन सब में से बेस्ट कौन सी लगी आप मुझे एक बार कमेंट में लिख के बताना, तो मुझे मालूम पड़ेगा कि आप लोग मेरी बात सुन रहे हो। थैंक यू। अरे अब तक पेट नहीं भरा, आओ थोड़ा और खिलाता हूँ। तो वहाँ सब कुछ वाटर स्पोर्ट्स भी होते हैं, सी दैट पैराग्लाइडिंग, पैरासीलिंग और बोट्स, सेलिंग, जेट स्की, एवरीथिंग इज देयर। सो दिस इज बीच फेसिंग सूजा लोबो रेस्टोरेंट एंड बार, एंड ट्रस्ट मी मैंने इससे बेटर खाना नहीं खाया है। मैंने बहुत बार मतलब एक से एक खाना खाया है गोवा में, पर मुझे सबसे बेस्ट जगह ही लगती है। बहुत ही बेसिक है एम्बियंस वाइज, लेकिन फूड इज awesome, like very very tasty. So whenever you come to Goa, don't miss out on this place. बस मैं नहीं बता रहा मैं कौन सा डेजर्ट खा रहा हूँ, खुद ही गैस कर लेना कमेंट्स करके। वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अमेजिंग है। तो अगर आप लोगों को चिल करना है, अच्छी सी बियर पीनी है, ठंडी सी, थोड़ा अच्छा खाना खाना है, बैठना है, बातें करनी है, गॉसिप करनी है, तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू कम आउट एंड चेक आउट दिस प्लेस एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको मेरा ये सजेस्टेड जगह कैसा लगा खाने के बाद। यहाँ का खाना मुझे बहुत पसंद है, इट्स अ मस्ट मस्ट ट्राई रेस्टोरेंट। चीयर्स टू गोवा। मारिया पिता से, मारिया पिता से, मारिया पिता से। आप जो मेरी ये कहानी देख रहे हैं वो कुछ 21 दिनों की है जो मैंने गोवा में बिताए, लेकिन इस बार गोवा आने का एक ही मोटिव है, अपनी एंगेजमेंट वेन्यू ढूंढना, जिस वजह से मैं गोवा का कोना कोना छान मार रहा हूँ। इसलिए इस बार मेरे पास बहुत कुछ है आपसे शेयर करने के लिए। सीरीज में बने रहना, बहुत मज़ा आने वाला है। अजय को वहाँ से कैरी लेकर आया, बाहर से जाकर गोवा में कैरी मिल गई, वो भी फ्री की। अरे वाह, तो अच्छी खासी कैरी है मम्मी।
कच्चे को चटनी के लिए बहुत मस्त होती है। चटनी बनाओगे अभी आप इसको? चटनी डाल के मस्त। क्या बात है।